बना दे वरना कहीं किस्मत तुम मुझसा ना बना दे देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो वरना कहीं किस्मत तुम्हें मुझसा ना बना दे। सुना है कि 31 अक्टूबर 1974 की रात को दीवान हशमत लखनऊ की दीवारों पर हाय अख्तरे लिखता फिर रहा था। फैजाबाद ने हिंदुस्तान को दो अजीब गरीब शख्सियतें बख्शी हैं। एक तो उमराव जान, जो मिर्जा हादी रुस्वा की कलम से ऐसी उतरी कि तारीख में बस गई। दूसरी बेगम अख्तर, जो अपनी जिंदगी ही में एक अफसाना बन गई थी। भाइयों में ऐसी भाई पैदा होना दुश्वार, तवायफों में ऐसी तवायफ ही पैदा नहीं हो सकती। वाकई हकीकत है, वो तवायफ थी जरूर, लेकिन गला आवाज है सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसा गला आवाज दूसरी लता थी वो। इस कदर रंग था उनकी शख्सियत में, हर चीज में, कि कोई भी चीज फीकी नहीं होती थी, चाहे वो दुख हो या दर्द हो या इश्क हो या हंसी हो या खुशी हो। और बड़ी खुश मिजाज सबके साथ, बहुत हंसना बोलना, खिलखिला कर हंसना। उनकी हंसी बड़ी मशहूर थी। एक एक्ट्रेस थी मेलिना मर्क्यूरी, बिल्कुल वैसी हंसी उनकी थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो मैंने बहुत सबसे मोहब्बत और सब करती थी, और दूसरे उनमें इतना वो था कि वो अल्लाह वाली बहुत थी। बड़ी अच्छी इनकी आदत थी, बड़ा प्यार, बहुत यानी कमीनी नहीं थी। अगर कोई चीज़ पसंद आए या कुछ, मसलन ये दादरा एक था, ये गाया करती थी, तो मैंने कहा अख्तरी ये मुझे सिखा दो लिखा दो, वो फौरन उसने सिखाया। बहुत दिन बीते सैया को देखे वो बहुत हाँ, बहुत दिन बीते। अख्तरी का जन्म फैजाबाद में 1914 में हुआ। माँ मुश्तरी बाई गाने और अदा दोनों में माहिर थी। अख्तरी को गाने की तालीम कई उस्तादों से मिली, जिनमें अता मोहम्मद खां और अब्दुल वहीद खां अहम हैं। जवानी कलकत्ते में बीती, जहाँ थिएटर में काम करने के अलावा कुछ फिल्में भी हासिल हुई। इसी वक्त मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी के जरिए देश भर में अख्तरी बाई का नाम मशहूर होता जा रहा था, लेकिन तबीयत फिल्मों में नहीं लगी। और एक जमाने के बाद उन्होंने सत्यजीत रे के कहने पर फिल्म जलसा घर में ये सीन किया था। सन 1940 के करीब माँ बेटी वतन लौटी और लखनऊ के चीना बाजार मोहल्ले में डेरा डाला। अख्तरी को गाने बजाने के लिए अब दूर दूर की रियासतों से नियुक्ति आने लगे थे। इन दिनों से उनकी तबले की संगत मुन्ने खां करने लगे। आज हमें इस मकान पर मुन्ने खां ही लेकर आए हैं। जब मैंने संगत उनके साथ में शुरू की तो वो इस मकान में रहती थी और ऊपर के हिस्से में रहती थी, और उनकी वालदा भी जो है, जिनको बड़े साहब कहते थे, वो भी ऊपर रहती थी, और मैं जो है ये नीचे के हिस्से में जो है वो रहता था। ये छज्जा जो है यही पर रात को 9 बजे के बाद में जो है उनकी वालदा जो है बैठा करती थी। और इस मकान के अंदर बड़े बड़े फंक्शन हुए। इसी मकान के अंदर जो है डिजाइनिस नवाब रामपुर, वो भी आए रजा अली खान साहब। तो यहाँ पर ये सीढ़ियों के ऊपर यहाँ से वहाँ तक कारपेट बिछे हुए थे, ऊपर जो है नया फर्नीचर था, और उनके लड़के के लिए उन्होंने एक कार खरीदी थी। तो
तो जाने उनके जो खत्म दावत खत्म होने के बाद में वो जितना फर्नीचर ये कारपेट और कार उनके लड़के को दे दी थी और बाकी सब उनके मुलाजमीन को दे दिया। यानी सस्ते जमाने में करीब करीब कुछ नहीं है तो 50,000 का उन्होंने दिया नवाब को 50,000 का। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर कि नवाब क्या देगा कि जिस आदमी ने ये 50,000 दिए तो वो कितना देंगे। एक सतलड़ा था रामपुर का जो इनके पास था और वहाँ से वो चली गई, उसको वो भी चला गया सतलड़ा भी साथ में। वो भी सुना कहते थे नवाब साहब कि इसकी जो आखिरी लड़ी है ये इनके पैरों तक आती है और उसमें कोई ऐसा हीरा है जिससे ज़्यादा चमकदार चीज़ अगर कुछ है तो बेगम अख्तर की मुस्कुराहट, ये वो कहते थे। तो अब उनसे बचने के लिए कि क्या किया जाए, इसलिए कि रामपुर है, नवाब है, वो ज़ाइनिस है, तो उन्होंने इश्तियाक साहब को जो है की तरफ नज़र गई और उनसे उन्होंने अख्त किया। लखनऊ में काम करती थी। तो मैं ऐसे एक रोज बैठी हुई थी कि इतने में अख्तरी दाखिल हुई, उनको देख के ही हम खुश हो गए बहुत। फिर वो बैठी और उन्होंने नहायत तमीज से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैंने कहा कहिए। तो यानी कि आप इश्तियाक अहमद अब्बासी को जानती हैं? मैंने कहा जी हाँ जानती हूँ, हमारे बड़े मरासिम हैं उन लोगों से, लाइक ए फैमिली मेम्बर। तो कहने मेरी शादी करवा दीजिए उनसे। तो पहली मुलाकात ना कोई ना आगे पीछे कोई तमीज नहीं कि कहने क्या आई हो, क्या मतलब है, कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ एक जुमला के मेरे काम है, शादी करा दीजिए। जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने भी उसको लिया। मैंने कहा क्या देखिए कोशिश कर सकती हूँ, वादा तो नहीं कर सकती। तो उसके ऊपर चिमी गोलियाँ हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि अरे तुम क्या बातों में आती हो। बहरहाल वक्त गुजर गया और कोई एक हफ्ते के बाद ये फिर आई। उस एक हफ्ते में हमने इश्तियाक भाई को बुलाया अपने घर, और जिस तरह अख्तर ने मुझसे कहा था कि शादी करा दीजिए, वैसे मैंने उनसे कह दिया कि इश्तियाक भाई अख्तरी से शादी कर लीजिए। जैसे मैंने कहा उन्होंने फौरन मेरे बच्चे को गोद में बिठा कहा कि अख्तों ने पकाई बड़ियाँ और बख्तों ने पकाई दाल, और अख्तों की बड़ियाँ जल गईं, बख्तों का बुरा हाल। मैंने कहा ये सब छोड़िए, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं, बात बात कर कर आके वो केक वेक खा के चले गए। मगर धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि ये लोग मिल रहे थे, एक दूसरे से वाकिफ थे, और ये चाहती ये थी कि इनको कोई सहारा, मजबूत समाज का सहारा मिल जाए। इस तरह की हालात डेवलप हुए कि शादी की नौबत आई। मैं थी, मेरे शौहर थे और एक नौकर गुलाब था, और मौलवी साहब थे और अख्तर थी और इश्तियाक भाई थे, और मैंने अपना निकाह का दुपट्टा इनको उड़ा दिया था, और इस तरह शादी हुई। सलीम, बेगम अख्तर की कहानी में सबसे बड़े एनिग्मा उनके शौहर इश्तियाक अहमद अब्बासी लगते हैं मुझे।
आपके खानदान के तो उनसे लंबे ताल्लुकात रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि अब्बासी साहब कौन थे, उनके मिजाज कैसे थे, उनकी शख्सियत क्या थी। अब्बासी साहब ताल्लुकदार थे। कहाँ के? काकोरी के, और लंदन में पढ़े हुए थे, बारेट लॉर्ड थे, और गाने का शौक था जैसे सब रईसों को होता है। बोटाई लगाते थे, पुरानी शेवले में बैठ के जाते थे कचहरी, मगर कभी हमने उनकी वकालत के तो कोई चर्चे नहीं सुने, ना कभी हमको लगा कि उन्होंने उनका घर चला उनकी वकालत से। बेगम अख्तर की म्यूजिकल वर्थ को समझ पाते थे क्या? बिल्कुल समझते थे, क्योंकि दुनिया बताती थी उनको। एक तरह से खुद वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी जो थी उसमें काफी अपने को काफी बास्क करते थे, और एक तरह से अल्टीमेट पेट्रन थे। निकाहनामा अपने साथ पर्दे की जकड़न लाया। अख्तरी अब बेगम अख्तर थी और गाना था हराम। कुछ ही दिनों में मां मुश्तरी गुजर गई और बेगम अख्तर बीमारी और डिप्रेशन की शिकार हुई। सुनते हैं कि उनको इतनी तकलीफ थी कि वो बिस्तर में लेट ना पाती थी, तो वो क्या आलम था? वैसे इनके पेट में दर्द उठता था और उसी में की हालत ज्यादा खराब जाती थी, और फिर दो चार दिन छह दिन के बाद फिर वो हो जाती थी। तो उस जमाने में इनको दवा लेने की लत पड़ गई थी? हाँ, मर्फिया का इंजेक्शन लेती थी और इसमें आदत पड़ गई थी इनको, जब तकलीफ ज्यादा होती थी तो वो लगा लेती थी। डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये प्रेस्क्राइब किया था, तो उससे उनको तकलीफ कम होती थी, तो वो फिर उस तकलीफ के ना होने ना हो इस वजह से वो लेने लगी, और फिर वो ज़्यादा होता गया, तो वो बहुत ही ख़राब वक्त था। मगर खुदा का शुक्र है कि उन्होंने खुद ही एक दिन छोड़ दिया सब कुछ। इस दौरान क्या उन्होंने गाना मिस नहीं किया? गाना मिस किया उन्होंने कोई चार पाँच महीने के बाद। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरा विस्की पीने को जी चाहता है, तो मेरा मेरी जान निकली कि अब ये विस्की पिएंगी तो हम क्या करेंगे, हमने तो इनका तमाम डंका बजा रखा है, इनकी इनकी खूबियों का, इनकी चेस्टिटी का, इनका सब का। खैर इन्होंने पी, मैं शुरू के पाँच सालों की बात कर रही हूँ, शुरू के पाँच सालों में इन्होंने पीना भी शुरू कर दिया था, और मिलती जुलती भी थी जो ज़रा काबिल एतराज़ था, लेकिन इश्ताक भाई ने उसे बड़ी खूबी से बर्दाश्त किया, और फिर इनको इजाज़त दी कि तुम लखनऊ से बाहर गा सकती हो, लखनऊ में मत गाओ। 7 साल की खामोशी के बाद जब बेगम अख्तर AIR लखनऊ के जरिए फिर गाने लगी तो उनकी परवाज को कौन रोक सकता था। बदगुमानी हो जाए कहीं तो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरह की हो जाए, तो उनको वाकई ऐसा लगता था जैसे किसी ने खंजर मारा और वो खंजर चुभा ही रहता था जब तक कि उसका पूरा मजा ना ले लें वो। शीला जी, जब भी बेगम अख्तर साहिबा का जिक्र उठता है तो
तो शेर याद आता है कि इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, तो आप ये बताइए कि हाउ फार वाज दिस अ नेसेसिटी फॉर हर? इट वाज लाइफ फॉर हर, इट वाज अनदर वर्ड फॉर लाइफ आई थिंक, कि इश्क के बगैर वो नहीं रह सकती थी, और अगर वाकई इश्क ना हो तो वो उसको इन्वेंट करती थी, और उस इश्क में दर्द ना हो, वाकई ना हो, तो वो उसको इन्वेंट करती थी। बड़ी ज़रूरी चीज़ थी उनके लिए कि वो आशिक हों और उसमें तकलीफ उन्हें हो, तब उस चीज़ का फ्लेवर, ज़िंदगी का फ्लेवर पूरा उन तक पहुंचता था। कच्ची थी कान की, बेहद कच्ची थी, दोस्त अहबाब नहीं पहचान सकती थी, बेहद झूठ बोलती थी, ऐसे मजे से झूठ बोलती थी। और मैं कह रही हूँ कि देखो तुम झूठ बोल रही हो, तो ठट्टे मार रही है। बेहद मोहब्बती थी, बड़ी लिबरल थी, तो फिताज़ लोगों को बहुत देती थी, और दिल की बहुत बड़ी औरत थी, लेकिन झूठ बोलने में उस्ताद, और वक्ती तौर से हर महफिल को ऐसा खुशगवार बना देती थी कि उनका झूठ और सच सब कुछ माफ़ कर दिया जाता था। देखिए ऐसा था कि उस ज़माने में तो जो ख्याल गाने वाले थे वो तो ठुमी दादरा गाते ही नहीं थे, अपनी तोहिन समझते थे, मगर मेरा ऐसा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती ये ख्याल है कि बेगम अख्तर ने उसको ला के उठा के और कॉन्सर्ट लेवल पे ले आई। वो बस उसके गाना, वो एक कुदरती उसमें ऐसी चीज़ थी कि जो दूसरे में नहीं थी। मसलन जिस वक्त उसने गाया दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वो इतना, यानी लोग दीवाने ही हो गए थे उस गजल को सुन के। बेगम अख्तर को अगर रसूलन भाई और सिद्धेश्वरी देवी के कॉन्टेक्स्ट में याद करना हो तो आप कैसे याद करेंगी, क्या सिमिलैरिटीज थीं और क्या कॉन्ट्रास्ट थे? सिमिलैरिटीज तो थी रेपर्टवार की सिर्फ, कि ठुमरी दादरा उनकी भी ज़मीन थी, और हाँ सिद्धेश्वरी जी गज़ल नहीं इतना गाती थी, लेकिन जो चीज़ उनको सबसे अलग करती है वो उनका म्यूज़िकल एटीट्यूड, मैं समझती हूँ कि उसमें इतनी सोफिस्टिकेशन थी कि जिसका ताल्लुक उनकी पर्सनालिटी से था सिर्फ, और ये बहुत छोटी सी ज़मीन में बहुत बड़ी बात कर दें, बहुत नज़ाकत से। और जो गाने बजाने वाले हैं वो इसको समझते हैं सबसे ज़्यादा, सिद्धेश्वरी जी खुद समझते हैं। Rasool and I would say in one word is like old brandy, and Siddheshwari to me is like a bird of paradise who through her heart and soul heavenwards with great energy and great passion. And Begum Akhtar's technique was much subtler. I mean, it was never with effort. You never associated her music with effort. It was something shared, something that was effortlessly stated with great sophistication and restraint. शायरों के साथ उनकी क्या रिश्ते थे और क्या इंटरेक्शन, इंटरफेस क्या था? कौन 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 से शायर उनकी जिंदगी में अहमियत रखते थे? अब सुना, ये सबको मालूम है बहजाद से उनका ताल्लुक। बहजाद तो एक तरह के कोर्ट पोइट थे बेगम अख्तर के, साथ साथ उनकी चलते थे, उन्हीं के लिए लिखते थे, और दीवाना बनाना है तो उन्हीं के लिए लिखी गई थी लगता है, मगर वो तो सब तारीखी बातें हैं। शकील की बहुत ज़्यादा गज़लें गाई हैं, मगर शकील से कभी हमने उनका इंटरेक्शन नहीं देखा, ना जिगर से देखा। जिगर के बारे में भी किस्से सुने हैं, खुद भी सुनाती थी जिगर के बारे में किस्से। कैफी से बहुत अच्छा रैपोर्ट था उनका, बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ थे एक दूसरे से, हंसी मजाक, फ्लर्टेशन भी बहुत होता था दोनों में। फिराक के सामने एक दफ़ा हम थे जब फिराक से मिली, फिराक की गज़ल गाई थी एक दिन पहले, उसका रिकॉर्ड लेके गई उनके होटल में पहाड़गंज में, सुनाई फिराक को। मगर बहुत से ऐसे शायर थे जो एक तरह से गुमनाम थे मगर बेगम अख्तर ही की वजह से। उनको ये गुरूर था क्या कि मैं जिसका भी कलाम गा दूं वो शायर बन गया? गुरूर तो नहीं था बेगम अख्तर, तो अगर गुरूर था तो कभी दिखता नहीं था बेगम अख्तर का, मगर ये ज़रूर था कि अगर बेगम अख्तर किसी गज़ल गा दें तो उससे ज़्यादा शायर को क्या चाहिए। बेगम अख्तर अब चोटी की फनकारा थी, गजल गायकी को तो उन्होंने नया आयाम दिया था, मगर आखिर के सालों में शराब और डिप्रेशन के फेरे में फिर डूबने लगी थी। सलीम किदवई से हमने पूछा उनके गम क्या थे। गम तो वही थे कि जहाँ तक हमारी समझ में, अब बेगम अख्तर क्या थी उनको समझ, कौन समझता था ये हमको नहीं मालूम, मगर जो हमारा अंदाज़ा वो है वो ये कि उनको खुद को नहीं मालूम था कि उनको क्या चाहिए। जो कुछ चाहा था वो तो मिल तो गया था उनको, कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जो बेगम अख्तर को ना मिली हो। गाना सब अप्रिशिएट करते थे, आखिरी ज़िंदगी में ऐसी कोई पैसे की तंगी नहीं थी, दोस्त थे, चाहने वाले थे, मगर जैसे जैसे सब आर्टिस्ट को होता है कि एक ऐसी सर्च थी, एक ऐसी कोई नीड थी जो खुद भी शायद नहीं समझती थी, और वो तो अगर ना होती तो शायद बेगम अख्तर ना होती।